तो आज की वीडियो में हम आपको सूजी का एकदम नया और सिंपल सा नाश्ता बनाना बताएंगे और इस नाश्ते को आप मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही आसान है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नाज खान किचन में आपका स्वागत है एक और नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी और मज़ेदार से नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ देखिए, मैंने आधा कप बारीक वाली सूजी ली है और आपको इसमें सूजी मोटी हो या बारीक जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर और भी ग्राइंड करना होगा। तो देखिए, उसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक ब्लेंडिंग जार और इसमें हम डाल देते हैं सूजी। तो देखिए, यहाँ हमने सूजी को डाल दिया है। अब इसमें हमें डालना है दही। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं 2 चम्मच गाढ़ा वाला दही ले रही हूँ। अगर आपके पास गाढ़ा वाला दही नहीं है, पतला वाला दही है, तो आप इसमें 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, क्योंकि अभी हमें इसे ग्राइंड करना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बैटर हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इस बाउल में हम निकाल लेते हैं और जो ब्लेंडिंग जार में लगी रह गई है ना सूजी, उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर निकाल लेंगे। तो देखिए, अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा। जीरा का टेस्ट इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और यहाँ देखिए, मैंने ऑयल लिया है, तो 2 चम्मच हमें इसमें ऑयल डालना है। और फिर यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है, तो यहाँ मैं 2 हरी मिर्च भी इसमें कट करके डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स या पिसी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी डालेंगे ना तो हरी वाली मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें और कुछ ऐड नहीं करना है, बस इसे फेटना अच्छे से है। जितना अच्छा फेटेंगे ना, उतना ही अच्छा हमारा फूला फूला नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर रेसिपी बनाते हैं तो आपकी रेसिपी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको वीडियो को पहले अच्छे से ध्यान से देखना है, फिर आपको इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद लास्ट में हम डाल देंगे इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमारा नाश्ता अच्छा फूला फूला बनकर तैयार होगा। और यहाँ मैं ले रही हूँ आधा चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी से भी इसमें टेस्ट अच्छा आता है, आपकी मर्जी है तो डालिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें डालकर अच्छे से एक बार और हम फेंट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेटर को बहुत अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और फेंटने के बाद बेटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, तो ये मेरा ढोकले वाला बर्तन है। अक्सर मैं इसमें पिज़्ज़ा, ढोकले, जो भी नाश्ता होता है ना, मैं अक्सर इसी में ही बनाती हूँ। आपके पास इस तरह का कोई भी बर्तन, थाली, इस टाइप का जो भी बर्तन हो ना, आप इस नाश्ते को बनाने के लिए ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे ऑयल से ग्रीस करना होगा और इसमें फिर आपको बैटर को डालना है। बैटर को डालकर इस तरह से थोड़ा टैप कर दीजिएगा और टैप करने के बाद अब इसे हमें सेट करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आपको हमेशा ही मेरे चैनल पर इसी तरह से नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कढ़ाई में पहले ही पानी डालकर गरम होने के लिए रख दिया था और इसमें हमने स्टैंड भी रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने हमारा नाश्ता रख दिया है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ये तीखी नहीं है, सिर्फ इससे कलर अच्छा आएगा, सिर्फ मैंने इसीलिए इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि 5 से 7 मिनट में ही हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से रेडी होकर तैयार होगा। बस आपको क्या करना है कि गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। पानी में जैसे ही उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम को स्लो करके 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से रख कर छोड़ दें। और देखिए, जैसे ही 5 से 6 मिनट हुए हैं, हमने चेक कर देख रही हूँ, तो देखिए आप, हमारा जो बैटर है बहुत अच्छे से सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं नाइफ डालकर भी चेक कर रही हूँ। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे निकालकर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही अच्छे से ये डीमोल्ड होता है। तो बस ठंडा होने के लिए रख दें आप इसे इस तरह से।
और फ्रेंड्स हमारा नाश्ता जैसे ही ठंडा हो जाता है तो आप देखिए इसे हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं। पहले हम नाइफ से साइड एजेस छुड़ा लेते हैं तो इससे हमारा नाश्ता ख़राब नहीं होगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और इसे अब हम पलटा कर थोड़ा सा थपथपाएंगे और थोड़ा सा जैसे ही आप थपथपाएंगे ना तो ये आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए। और मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी कितना अच्छा जालीदार ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देखिए आपको देखकर ही लग रहा होगा बहुत ही मज़ेदार जालीदार ये नाश्ता बना है। तो बस अब इसे हम रख लेते हैं और बीच से अब हम आपको इसे कट कर कर दिखा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं ट्रायंगल शेप में इसे कट कर रही हूँ, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा को कट करते हैं ना, बस इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें इसे कट करके एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें हमें थोड़ा सा तड़का देना है। तो तड़का हम बिल्कुल सिंपल सा देंगे। तो ये देखिए पहले तो मैं आपको इसे करीब से दिखा देती हूँ कितना जालीदार सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही फूला फूला ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस नाश्ते को बनाने में ज़रा भी मेहनत और टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में आप इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना जालीदार सॉफ्ट फ्लॉफी ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे एक बार फ्राई करेंगे। तो हम यहाँ पर एक पैन लिए हैं, इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम सिंपल सा ऑयल में इस नाश्ते को डाल देते हैं और डालकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को हमें उलट पलट करते हुए दोनों ही साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही हमें फ्राई कर लेना है, क्योंकि 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखिए इसे फ्लिप कर रहे हैं हम तो कितना अच्छा कलर दिखाई दे रहा है, बस इसी तरह का कलर दोनों ही साइड में आ जाता है तो हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा नाश्ते की रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे तरह तरह की रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो देखिए नाश्ता हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम हाई फ्लेम पर और दोनों ही साइड से ये नाश्ता अच्छे से बन चुका है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है। और देखिए कितना अच्छा हमारा नाश्ता ये दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हुआ है। तो बस सारे ही पीसेस हमने निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता आपको देखने में जितना अच्छा लग रहा है तो खाने में आपको ये उससे कई ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस मज़ेदार नाश्ते को हमने मिनटों में बनाकर तैयार करा है, किसी तरह की इसे बनाने में आपको झंझट भी बिल्कुल नहीं लगेगी। और फ्रेंड्स आपको इस नाश्ते को बनाने में किचन के सिर्फ मौजूद सामानों की ही ज़रूरत पड़ेगी, आपको बाहर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए झटपट से कितना मज़ेदार हमारा जालीदार ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार सूजी के नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी।